प्याज की फसल पर थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए आज की इस वीडियो पर हम आपको शानदार कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। प्याज की एक ऐसी फसल है, न केवल प्याज की फसल बल्कि लहसुन की फसल और अन्य फसलों पर थ्रिप्स एक ऐसा सकिंग पेस्ट है, एक ऐसा रस चूसक कीट है जो प्याज की फसल पर स्पेशल 30-40% तक उपज में गिरावट ला देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो किसान भाई हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि प्याज की फसल पर थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए हमको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे हम लंबे समय तक थ्रिप्स की रोकथाम कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको एक थोड़ा सा महंगा डोज और एक थोड़ा सा सस्ता डोज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रिप्स एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा रस चूसक कीट है। प्याज की फसल पर थ्रिप्स का अटैक है पत्तों के बीचों बीच साइट होता है। जो आप प्याज के पत्तों को दूर दूर करके देखेंगे तो यदि आपकी प्याज की फसल पर थ्रिप्स का अटैक है तो देखने के लिए मिल पाएगा। जिससे प्याज का पौधा ठीक तरीके से भोजन नहीं बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। थ्रिप्स रस चूसक कीट है जो पत्तों की ऊपरी सतह को चूसने का काम करता है, यानी रस को चूसता रहता है। और हमेशा थ्रिप्स का अटैक पत्तों के निचले साइड या फिर पत्तों के बीचों बीच साइड ही देखने के लिए मिलता है। प्याज के पत्ते मुड़ जाते हैं थ्रिप्स के प्रकोप के कारण, जिससे हमारी प्याज की फसल पहली बात तो वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और वेजिटेटिव ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, पौधा अपनी ठीक तरीके से हाइट नहीं ले पाता है, तो कंद भी छोटे रह जाते हैं और फसल भी बेरंग हो जाती है और फसल में ग्रीननेस देखने के लिए भी नहीं मिल पाती है। प्याज की फसल पर थ्रिप्स के प्रकोप के कारण सीधी सी बात ये है कि फसल कमज़ोर हो जाती है, कंद ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाते हैं, फसल में एकदम वे रंग वे कलर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड लेना है आपको 120 ml, और इसके साथ आपको मिक्स करना है कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% जो कि SP फॉर्म में आती है 200 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप प्रति एकड़ की दर से सिलिकॉन चिप को मिलाकर शाम टाइम स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप यह कॉम्बिनेशन स्प्रे करते हैं तो प्याज की फसल पर आप जड़ से थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे, और न केवल आप कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि लंबे समय तक आप थ्रिप्स को रोकथाम कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों को यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सस्ता है लेकिन थोड़ा सा आपको रिजल्ट कम मिल पाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है इमिडाक्लोरप्रेट 40% प्लस फिप्रोनल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे घरडा का प्लस और बायर कंपनी का लेजेंटा इंसेक्टिसाइड पर आपको यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है 80 ग्राम, और इसके साथ आपको मिक्स करना है लैम्डा साइलोथ्रिन जो आपको सिजेंटा कंपनी कराटे इंसेक्टिसाइड पर आपको यह कॉम्बिनेशन मिल जाता है। 250 ml लैम्डा साइलोथ्रिन को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं 5% लैम्डा साइलोथ्रिन का। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट केवल और केवल 100 से 120 ml और कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। यह न केवल थ्रिप्स की रोकथाम करेगी बल्कि प्याज की फसल पर, लहसुन की फसल पर और भी रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं।